राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के आर्थोपैथिक सर्जरी एवं स्पोर्ट मेडिसिन विभाग के द्वारा दो दिवसीय आर्थोस्कोपी कॉन्क्लेव 2019 कैडवेरिक नी एवं शोल्डर कोर्स का आयोजन 10 और 11 अगस्त को किया जा रहा है। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनी शर्मा ने बताया कि इस वर्ष को मिलाकर लगातार तीसरे वर्ष आर्थोस्कोपी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में संबंधित अत्यधिक जानकारी देते हुए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि इस वर्कशॉप में पूरे भारत से 7 से 8 स्पेशलिस्ट चिकित्सक शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक डेलीगेशन शामिल होंगे। डॉक्टर आशीष ने कहा कि स्पेशलिस्ट के द्वारा दूरबीन विधि से किए जाने वाले उपचार, जिसमें घुटने एवं कंधे की चोट, लिगामेंट का फटना, कंधे का बार बार उतरना और इससे संबंधित अन्य कई बीमारियों के ऑपरेशन इस विधि के माध्यम से ठीक किया जाएगा। डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि दूरबीन द्वारा जोड़ों के ऑपरेशन विधि को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की दिशा में लगातार आर्थोपैथिक सर्जरी एवं स्पोर्ट मेडिसिन विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट मेडिसिन एवं एनाटॉमी विभाग के जीएमयू के समस्त शिक्षकगण और रेजिडेंट डॉक्टर समेत कर्मचारियों का संपूर्ण योगदान रहेगा। इसके साथ ही लोहिया संस्थान और उत्तर प्रदेश आर्थोपैथिक एसोसिएशन के सर्जन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सर, ये आर्थोस्कोपी जो है कॉन्क्लेव 2019 का जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी किस तरह की कोशिश होंगी और कितने दिन का ये कार्यक्रम है? ये आयोजन हर साल होता है और ये हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है, आर्थोस्कोपिक सोसाइटी, उसकी वजह से होता है। और इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो लाइव वर्कशॉप होती है जिसमें मरीजों के ऊपर डिफरेंट विदेश से प्लस यहाँ के जो स्पेशलाइज डॉक्टर जो यही काम कर रहे हैं उन पर सर्जरी करेंगे कल और परसों। उसी सर्जरी जो लोग आएंगे डेलीगेट्स उनको चांस मिलेगा परसों कैडेवरिक जो कैडेवर्स हैं उनमें प्रैक्टिस करने का। सर, इसमें कार्यशाला में लगभग कितनी संख्या में डॉक्टर्स की शामिल हैं? हमारे जो पूरे देश से कम इसमें जो है 7 से 8 जो स्पेशलिस्ट हैं, बॉम्बे से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, इन जगहों से आए हुए हैं, दिल्ली से, और जो हमारे लोकल उत्तर प्रदेश की फैकल्टीज़ हैं डिफरेंट शहरों में, इलाहाबाद से, बनारस से, है ना, तो इस तरह के मेरठ से, इन सब जगहों से आकर के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे इसके एक्सपर्ट्स हैं और दूरबीन विधि द्वारा जो है सर्जरी करते हैं, आर्थोस्कोपी जिसको कहते हैं। और हमारे जो अटेंड करने वाले लोग हैं वो हमारे कम से कम लगभग 100 डेलीगेट्स होते हैं, जिनमें से 55-60 करीब जो हैं वो कल को जो कैडेवरी कोर्स है जिसमें डेड बॉडीज़ के ऊपर वो हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में फ्रोजन सिस्टम है कैडेवर्स को डेवलप करने का, ताकि जो है वो बिल्कुल रियल टाइम उनको मौका मिलता है, जैसे नॉर्मल आदमी पे काम करते हैं उसी तरह की चीज़ें उनको फील मिलती है, तो बेस्ट पॉसिबल जो सीख करके जा सकते हैं। और वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं जिनसे हम लोग रियल पेशेंट पे काम करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि भाई पेशेंट की जगह आप कुछ गलती करते हो तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, ये सिखाने का मतलब है इसका।